दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8 दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8 बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में एक बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा उस बात के बाद दिखाई गई जो पहले मुझे दिखाई गई थी जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था तब मैंने दर्शन में क्या देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ फिर मैंने आंख उठाकर क्या देखा कि उस नदी के सामने दो सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है और सिंह दोनों तो बड़े हैं परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह दक्षिण पश्चिम उत्तर की ओर सिंह मारता रहा है और न तो कोई जंतु उसके सामने खड़ा रह सकता है और न कोई किसी को उसके हाथ से बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम देश से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था और वह उस दो सिंह वाले मेढ़े के पास जाकर जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को भेड़े का कुछ भी वश न चला तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसकी संति देखने योग्य चार सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे फिर इनमें से एक सिंह से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया वरन वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते कृतार्थ हो गया तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा कि नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा उसने मुझसे कहा जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सन्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था कि हे जिब्राइल उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे तब जहां मैं खड़ा था वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान उन देखी हुई बातों को समझ ले क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा किया तब उसने कहा क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे जताता हूं
क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो दो सिंह वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फरीसियों के राज्य से है, और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य ठहरा है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा, और वह सिंह जो टूट गया और उसकी संति चार सिंह जो निकल आए, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय तो होंगे, परंतु उनका बल उसका सा न होगा, और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली उपजने वाला एक राजा उठेगा, और उसका सामर्थ्य बड़ा तो होगा परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और कृतार्थ होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों को और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा, और उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा, वरन वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। और अब सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा है और सुना है वह सच बात है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा, तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न रहा।